ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देव नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और कल हमने 1.3.28 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको किया था, उसको समझा था। और आज हमारे जो है बहुत ही उत्तम दिवस है। आज आज श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। तो आप सबको शुभकामनाएं, राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से बता दूं सबको, आज के दिन उपवास रखना चाहिए। दोपहर के 12 बजे तक यथाशक्ति जैसा हो सके निर्जला रखे तो सबसे श्रेष्ठ है। सजला भी रख सकते हैं, फला भी रख सकते हैं, सफला भी। है कि आज के मात्र आधे दिन के उपवास से 1 लाख एकादशी के फल का जो है, 1 लाख एकादशी के उपवास रखने का फल मिल जाता है आज मात्र आधे दिन ये उपवास। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा 1.3.28। एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणयंती युगे युगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जिसको शील प्रभुपाद ने विशिष्ट श्लोक की स्थिति में रखा है। इसको पारिभाषिक श्लोक कहते हैं। पारिभाषिक श्लोक किसे कहते हैं? जो किसी को डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है, किसी का अर्थ स्थापित करने वाली चीज को पारिभाषिक श्लोक कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ स्थापित करता है श्रीमद् भागवतम, पूरी भागवतम के लिए अर्थ स्थापित करता है ये श्लोक कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही हैं जो भगवान हैं, है ना। और बाकी क्या भगवान नहीं है? नरसिंह भगवान नहीं है, वामन भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है? अरे भैया सब भगवान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबके मूल कारण जो है वो कृष्ण है। कृष्ण से ही सारे जो है भगवान उद्भूत होते हैं, मतलब उनमें कोई भिन्नता नहीं है। राम और कृष्ण में ना ही भेद, कोई भेद नहीं है ना। एक के नयन चपल और एक के क्या है, एक और एक श्लोक आता है ना, राम कृष्ण में ना ही भेद, किसी को याद है क्या? हरे कृष्ण, सुनाई दे रही मेरी बात किसी को? प्रभु जी जग में है दो सुंदर नाम, चाहे कृष्ण प्रभु चाहे राम। हरे मेरी कृष्णा, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण प्रभु चैट में चाहे लिखा राम। इसमें है। हाँ क्या बोल रहे? अरे ये तो ठीक है। और एक और था ना जो है, राम कृष्ण में ना ही भेद, एक के नयन चपल एक के कुछ ऐसा विशेष, ऐसा एक श्लोक आता है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है एक्चुअल में। एक में जो है बस लीलाएं करते हैं और एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, और एक जो है प्रेम की अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार दोनों में कोई भेद नहीं है। बाकी जो है हमने कल गुणों पे भी चर्चा करी थी कि मात्र डेढ़ गुण कम है राम में,
कम है नहीं, लेकिन वो प्रकाशित कम करते हैं। है तो सारे गुण, लेकिन प्रकाशित उस समय इतने ही करते हैं, है ना। उसी प्रकार नरसिंह भगवान हो गए, वामन भगवान हो गए, ये सब जो है ना समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने गुणों को कम प्रकाशित करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कम गुण है। हमको ये समझना चाहिए, जिस प्रकार एक मोमबत्ती से अनेकों मोमबत्तियां प्रज्वलित हो जाती हैं, और जब अनेकों मोमबत्तियां प्रज्वलित हो जाती हैं तो क्या किसी में प्रकाश कम रहता है क्या? है कोई बता सकता है क्या कि अरे ये दूसरी वाली में प्रकाश कम हो गया है, तीसरी वाली से पहली वाली से प्रकाश सब में कम हो जाता है? ऐसा नहीं, तो सब में प्रकाश सेम रहता है, समान अवस्था से रहता है, पहली हो, दूसरी हो, छठी हो, दसवीं हो, बीसवीं हो। वैसे ही कृष्ण से निकलने वाले सारे स्वांश भगवान के जितने ही शक्तिशाली होते हैं, और वो भी भगवान ही होते हैं, और उनमें भी सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन प्रकाशित कम करते हैं, वो दिखाते कम हैं, क्योंकि वो एक विशेष उस कार्य के लिए आते हैं, है ना। तो मैं जो श्लोक बता रहा था वो मिल गया मेरे को। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष, है ना। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष, एक के नयन विशाल हैं, एक के चपल विशेष, है ना। मतलब एक के नयन, नयन कृष्ण के नयन जो है हम जानते हैं, कमल नयन है ना, कमल नयन। हर चीज में भगवान कृष्ण को कमल के साथ कंपैरिजन किया जाता है, उनकी नाभि कमल, उनके कमल पंखड़ी के जैसे होठ उनके, तो हर चीज को भगवान के कमल से कंपैरिजन किया जाता है। तो एक के नयन विशाल मतलब कृष्ण के, और एक के चपल विशेष, उनकी जो है ना चंचल चंचलता अधिक है उनमें, और इस प्रकार जो है वो दोनों में यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो ये श्लोक हमने कल किया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, जिसमें अंश और अंशी के बारे में चर्चा करी। अंश जो होता है डायरेक्ट अंश भगवान का, उसको स्व अंश कहते हैं, और अंश से भी अंश निकलता है, उसको क्या कहते हैं? कलह, है ना। एते च अंश कलह पुंसा, कहाँ से निकल रहे हैं? सारे के सारे विष्णु से निकल रहे हैं। तो जैसे कृष्ण से महाविष्णु हुए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अंश। अब महाविष्णु से दोबारा हम जानते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु निकले, तो ये क्या हो गए? कलह, क्योंकि अंश के भी अंश हो गए। तो इस प्रकार जो है ना अंश और कलह, इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। और कल हमने चर्चा करी शक्त्यावे आवेश अवतार जो होते हैं भगवान के, वो कैसे होते हैं, वो एक विशेष शक्ति जिसमें प्रविष्ट होती है उसको आवेश कहते हैं, है ना। ठीक है, तो हम आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 29। ठीक है, साथ में दोहराएंगे सभी लोग। जन्म गुह्यम भगवतो, जन्म गुह्यम भगवतो, यह एतत् प्रयतो नरः, सायं प्रातः गृणामि दुःखग्रामात् विमुच्यते, हरे कृष्ण। जन्म गुह्यं भगवतो, जन्म गुह्यं भगवतो, एतत् प्रयतो नरः, सायं प्रातः गृह्णात्या, दुःखग्रामादिमुच्यते,
दुख ग्रामा विमुच्यते। विमुच्यते। अनुवाद। अनुवाद। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हमारे श्री रघुनाथ दास जी लगता मंदिर में बैठे हुए हैं। आज सुबह से मंगला आरती अटेंड किया आपने लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है, आज श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है, बहुत विशेष आयोजन हो रहा है मंदिर में, उनका आज अभिषेक है, तो यथाशक्ति सब पहुंचे वहां पे अभिषेक करें माता जी का, प्रभु जो है जी का श्रीमती कितने राधा बजे रानी का। अभिषेक प्रभु जी कितने बजे और अभिषेक मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे, कब है प्रभु जी? 11 11 बजे 11 बजे बता रहे थे प्रभु जी, जनार्दन प्रभु हाँ जी। हाँ 11 बजे। अभी ऑनलाइन की व्यवस्था पता नहीं है कि नहीं, मुश्किल है, मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जन्म गुह्यम भगवतो। जन्म गुह्यम भगवतो, क्या भगवान के जन्म की गुप्त कथाएं है ना, गुप्त रहस्य, जो गुप्त बातें हैं भगवान के, श्री भगवान के जन्म की, यह एतत् प्रयतो नरह। जो भी कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी है ना, कोई भी, क्या कह रहे हैं कमलकांत दास आज, तो जो कोई भी नर, कमलकांत प्रभु 11.14.26 इसको निकाल के रखिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा तो हम इसका रेफरेंस लेंगे बाद में। हरे क्या कृष्ण प्रभु जी मैं कर रहा हूँ प्रभु जी, 11 पॉइंट 11 14 26 जी प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान का जो जन्म होता है ये बहुत गुह्य रहस्य की बात होती है, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, है ना। ये लगता जरूर है अरे वो तो क्या है, कृष्ण यहाँ पे जन्मे थे मथुरा जेल में और उनको ले गए वसुदेव टोकरी में रख के और वहां छोड़ के आ गए। ये इतना आसान होता तो भगवान क्यों लिख देते ऐसा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है, इतना आसान नहीं है समझना। तो ये ऐसा नहीं है, ये खाली कथाएं हैं, लेकिन गूढ़ रहस्य जो है ना ये अलग ही है कि जन्म का प्राकट्य, भगवान के प्राकट्य कैसे हुआ। हम पढ़ेंगे 10वें कैंटो के पहले दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है कि कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। तो बता दूं मैं, दोनों स्थान में भगवान का जन्म हुआ था, जन्म मतलब प्रकट हुए थे भगवान, यहाँ पे भी मथुरा में भी और वहां पे जो है वृंदावन धाम में भी, वहां पे भी प्रकट हुए थे भगवान दोनों। यहाँ पे विष्णु के रूप में हुए थे, वहां पे कृष्ण के रूप में हुए। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं जन्म गुह्यम भगवत, तो भगवान का जन्म जो कि गुप्त होता है, जो कि बहुत सी वो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है, या एतत् प्रयतो नरः, जो कोई भी इसको सावधानी से समझता है या सुनता है
या अध्ययन करता है, जो कोई भी, जो कोई मतलब कोई स्त्री हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई क्षत्रिय हो, किसी भी स्थिति में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये लागू, कोई पर्टिकुलर एक नहीं। तो हमने पहले भी पढ़ा है, भगवान ने भगवत गीता में बताया, चाहे श्री स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी मेरी भगवत प्राप्ति कर सकता है, मैं किसी के लिए बाध्य नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। यहाँ पे कह रहे हैं यो एतत् प्रयतो नरः, कोई भी मनुष्य है ना, क्या कह रहे हैं, सायं प्रातः गृणान भक्त्या, सायं मीन्स शाम को और प्रातः मीन्स सुबह, गृणन पाठ करता है भक्त्या भक्ति पूर्वक, जो भक्ति पूर्वक चिंतन करेगा, पाठ करेगा, स्मरण करेगा, श्रवण करेगा, उसके बारे में बात चल रही है, क्या होगा उसका, दुख ग्रामात विमुच्यते, उसके जीवन से सारे के सारे दुखों का विमुच्य मतलब नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे दुख जीवन से गायब हो जाएंगे, मात्र भगवान के जन्म कर्म के जो कथाएं हैं उनके अध्ययन, उनके पठन, उनके चिंतन करने से दुख दुख ग्रामात दुख ग्रामात, दुख ग्रामात मीन्स दुखों का जो ये संसार है, समस्त पूरे जीवन में जो दुख होते हैं वो सारे दुखों से छूट जाता है ना। तो भगवान भगवत गीता में भी काफी जगह कहते हैं कि जो मेरे बारे में चिंतन करता है वो परम सुख को प्राप्त करता है ना, और उसको कोई भी प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है जो दिन रात मेरा चिंतन करता है। 4.09 में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन, है ना। और भगवान ने बताया है कि शांति कैसे मिलती है, जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, कैसे, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको शांति मिलती है जिसको पता पड़ता है मेरे बारे में मैं कौन हूँ, मैं सभी चीजों का भोक्ता हूँ, है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्व सभी लोकों का मैं ईश्वर हूँ, है ना, सर्वलोक महेश्वर है, सुहृदय सर्वभूतानाम सबके हृदय में मैं उनके मित्र के रूप में रहता हूँ, जो ये जान जाता है उसको शांति मिल जाती है, वही सुखी होता है और कोई सुखी नहीं होता। और क्या कहते हैं एक और श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां संयमित रूप से रहती हैं, जो इंद्रियों के पीछे नहीं भागता और जिसकी श्रद्धा मुझ में रहती है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, उसकी इंद्रियां भी संयमित होनी चाहिए, उसको श्रद्धा होनी चाहिए, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और क्या होता है उसके बाद, ज्ञानम प्राप्त परम शांति, उसको ज्ञान के बाद फिर परम शांति प्राप्त होती है, अचिरेण अधिगच्छति, जो कि अचीर होती, कभी उसमें खंड नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी भी किसी भी प्रकार का उसमें जो है ना डैमेज नहीं होता उस शांति में, अचिरेण अधिगच्छति, ऐसी शांति को प्राप्त करता है जिसकी श्रद्धा मेरे अंतर मेरे प्रति होती है। और क्या कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, जो ब्रह्म भूत की अवस्था में पहुंच जाता है वो कभी हमेशा प्रसन्न रहता है, न कभी उसको शोक रहता है, न कभी कोई आकांक्षाएं रहती है उसके जीवन में, मतलब जिसके जीवन में आकांक्षाएं हैं, जिसके जीवन में शोक है वो प्रसन्न नहीं हो सकता, जिसके जीवन में आकांक्षा नहीं है, जिसके जीवन में कोई भी शोक नहीं है वह प्रसन्न रहेगा, वो कैसे होगा, जब भगवान की भक्ति करेगा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समम सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परा, मेरी भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो ये शोक और इन चीजों से दूर हो जाता है और सभी के प्रति समान रूप से रहता है। तो खैर भगवान ने भगवत गीता में काफी जगह बताया कि दुखों से कैसे दूर हुआ जाता है, यहाँ पे हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्व को जानता है वह इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाएगा। तो भगवान ने बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य कार्य को समझ जाता है तत्व से,
वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, उसका जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाता है। तो अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र का छुटकारा ना बड़ा मुश्किल है ना, इजी नहीं है। एक और श्लोक आता है 12वें नंबर अध्याय में, कहते भगवान, तेषाम अहम समुद्धार्थम मृत्यु संसार सागरा है ना, भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम है ना, 12:12.07। इसमें कहते हैं भगवान कि उसको मैं किसको, तेषाम अहम उसको किसको, जो अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरे ध्यान करता है उसके लिए है ना, भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम, जिसका चित्त मेरे में ही आवेशित रहता है। आवेश आवेश इन्वेस्टमेंट बोलते ना हम, बोले ना आवेश, शक्ति आवेश, जिसमें शक्ति का स्फुरित की जाती, शक्ति का आवेशित किया जाता है, वही वैसे कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, मई आवेश चेतराम, जिसका चित्त मुझ में आवेशित है उसके लिए क्या है, तेषाम अहम समुद्धार्थम, ये जो समुन्दर है जन्म मृत्यु का, उससे मैं उसको पार कर देता हूँ। कौन, मैं स्वयं, उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर को शीघ्र उद्धार करने वाला। तो जितना जितना हम भगवान का चिंतन करेंगे, उतना उतना हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने में अपने आप को एलिजिबल बनाते जाएंगे है ना। और जितना जितना संसारी व्यक्तियों के बारे में, उनके जन्म कर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा है? श्री रघुनाथ प्रभु भगवान के जन्म कर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएंगे, और संसारी व्यक्ति के जन्म कर्म की चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा? चूहे बिल्ली कुत्ते बन के रखवाली करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अरे प्रभु जी, भाई जैसे कि भगवान 8.5 में बताए हैं, अंत काले चमामे वै स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जैसे इसीलिए हम लोग इतना भगवान के बारे में सोचते हैं ताकि एटलीस्ट अंत समय में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भगवान को याद करना, हम भगवान को याद करें तो उनके धाम चले जाएं प्रभु जी, हाँ ये तो ठीक है। और संसारिक लोगों का चिंतन करेंगे प्रभु जी, तो फिर इसी संसार में ही फंस के रह जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी में ही फंस के रह हाँ जाएंगे प्रभु जी। संसारी व्यक्ति के जन्म कर्म की चर्चा करेंगे तो हमारा भी दोबारा संसार में ही जन्म होगा है ना, जिसकी चर्चा करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे उसी के पास जाएंगे। भगवान कहते ही है ना, यम यम वापि स्मरण भावम तजंति कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावि, तो उसी को प्राप्त करेगा हे कुंती पुत्र, किसको, जिसके बारे में स्मरण कर रहा है। प्रभुपाद के पास एक लेडी आई थी, बोले मैं अगला जीवन क्या करूंगी, मेरा अगली योनि कौन सी होगी। तो प्रभुपाद ने कहा आप करती क्या हैं, तो बोले मैं एक बहुत बड़ी स्विमर हूँ, मैं बहुत जो है ना स्विमिंग करती हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला क्या आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, तो बोले हाँ मैं बहुत अच्छा स्विमिंग करती हूँ, मेरी पसंद है सबसे ज्यादा। तो बोले बस फिर निश्चित है आप अगले जीवन में मछली बनेंगी। तो जिसका स्मरण करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, जिनके जन्म कर्म की चर्चा करेंगे, वही हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे भी वही है कि हमको बचना है ऐसी चीजों से, इसीलिए भगवान कहते हैं जब 8.4 और 5 चौथे में बताया भगवान ने, अंत काले चमामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम है ना, कि अंत काल में मेरा स्मरण करोगे, यह प्रयाति समद्भावम याति नस्ति अनुसंचय, मेरे पास ही आएगा वो है कुंती पुत्र। फिर 6वें नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान कि जिसक जिसका स्मरण करेगा उस उसकी योनि को प्राप्त करेगा, अगली योनि वही होगी। फिर 7वें नंबर श्लोक में कहते भगवान 8.07 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धसि च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामेवेश्यसि असंशया। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय तुम मेरा चिंतन करो, मम अनुस्मर युद्धस्य च, और मेरा स्मरण करते करते युद्ध भी कर लो तुम है ना, मई अर्पितो मनोबुद्धि, मुझे अपना मन और बुद्धि दे दो, मई आवेश चेतसाम, और तुम जो है ना फिर मेरे पास ही आओगे, मेरे धाम को ही प्राप्त करोगे, निश्चिंत रहो। तो इसलिए हमें जो है ना किसी और के जन्म कर्म की चर्चा नहीं करनी,
संसारी व्यक्तियों के कर्म के क्या कर्म कौन कर रहा है, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, किसने मेरे साथ अच्छा किया, किसने मेरे साथ बुरा किया। अरे 25-50 साल रह के जाना है यहाँ, कोई परमानेंट टिकट लेके थोड़ी आए। और ये तो दुखालय हम अशाश्वत में, ये तो अशाश्वत, आज जो अपना है वो कल पराया होना ही है, इसमें क्या नई बात। और जो आज पराया है वो कल अपना हो जाएगा, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो जाएगा, जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो जाएगा, इसमें क्या नई बात है। भगवान ने बोला ये अशाश्वत है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो इसमें हमारा समय खोटी करने का मतलब नहीं है। जैसे सरकार है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कांग्रेस आएगी तो बीजेपी को गाली देगी, बीजेपी आएगी तो कांग्रेस को गाली देगी, बस ये तो होना ही है। तो उसमें इतना गहराई में क्या चिंतन करना कि क्यों गाली दे रहे हैं, क्या कर दिया उसने, इसने क्या कर दिया। अरे आज ये गाली दिया, कल वो देगा, कल वो गाली दिया, फिर ये देगा, इसमें क्या नया, इसमें कोई नया बात नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अतएव इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा हो जाता है। भगवान कृष्ण के गुह्य रहस्यों को समझने से हमारा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेते हैं हम। भगवान ने कितनी बार बोला, भगवान ने एक और श्लोक बोला 9.03 में, अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य से परंतरव अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागरा। कि हे अर्जुन, जिसको मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं है ना, जिसको मुझ में श्रद्धा नहीं, किसमें, कृष्ण में, याद रखना, शिव जी में नहीं, ब्रह्मा जी में नहीं, गणेश जी में नहीं, किसी में नहीं, कृष्ण में। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य से परंतव, वो अपने हिसाब से अलग अलग काम कर रहा है, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, मेरी भक्ति में जिसको श्रद्धा नहीं है वो कभी मुझको प्राप्त नहीं करता, और वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान कृष्ण को अगर हम भगवान नहीं मानेंगे, किसी और को भगवान मान के उसकी चिंतन में लगे हुए हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आगे कह रहे हैं, अतः श्री भगवान के जन्म तथा कर्म साधारण नहीं होते, जिन्हें जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं वे गुह्य हैं, और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भव बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्री भगवान के जन्म तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ दिया गया है, अतः यह सलाह दी जाती है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का, मतलब कौन से अध्याय का, जिसमें हमने सारे अवतारों के बारे में चर्चा करी, भगवान के विभिन्न विभिन्न अवतारों की चर्चा करी है, जिसमें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है। अगर इसका भक्ति और श्रद्धा से हम पाठ करेंगे तो क्या होगा, उसे श्री भगवान के जन्म तथा कर्मों का अंतर दर्शन प्राप्त होता है, तो वो एलिजिबल होगा भगवान के जन्म कर्म के बारे में चिंतन समझने की कैपेसिटी तब आएगी जब इसको पढ़ेगा श्रद्धा से। समझ में आएगा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जन्म कर्म को समझने की एलिजिबिलिटी, अंतर दर्शन प्राप्त होगा, वो तब जाके समझने योग्य होगा कि भगवान का जन्म और कर्म है क्या, जब ये पढ़ेगा श्रद्धा से अच्छे से। तो मैंने एक श्लोक प्रभु जी को बोला है, डाल दिया प्रभु जी ने, 11.14.26, इसमें कह रहे हैं, है ना, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, जब रोग ग्रस्त आंख का उपचार औषधीय मलहम से किया जाता है तो वह धीरे धीरे देखने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जैसे कोई चेतन जीव मेरी महिमा के पवित्र आख्यानों को सुनकर और उनका कीर्तन करके अपने आप को भौतिक कल्मश से मुक्त कर लेता है, वैसे ही वह मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेता है। कितना सुंदर कहा है ना, कितना अच्छा कहा है कि जैसे आंखें खराब हो जाती है ना, तो आंखों में औषधि डाली जाती है, तो फिर धीरे 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 देखने की स्थिति बनती है, आंखें देख पाती हैं धीरे धीरे, जब जब उसमें रोशनी औषधि डाली जाती है, मतलब जैसे जैसे ड्रॉप्स डालेंगे तब देखने लायक बनेगी आंखें, और जैसे जैसे आंखें देखने लायक बनती हैं वैसे दृष्टि क्लियर होती है और सामने की हर चीज को हम देख पाते हैं। वैसे ही कह रहे भगवान, जैसे जैसे लोग मेरे बारे में अध्ययन करते हैं, मेरे ये सब चीजों को पठन पाठन करते सुनते हैं, वैसे वैसे वो मेरे दिव्य जन्म कर्म के बारे में जानने के लिए
मतलब जान पाते हैं धीरे धीरे, ऐसे नहीं जान पाते हैं, है ना। आगे कहते हैं, विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म तथा उसके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे हमने चर्चा करी भगवान के जन्म कर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो हम भी जन्म कर्म से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन संसारिक व्यक्ति के जन्म कर्म की बात करेंगे तो संसार में फंसते चले जाएंगे। इसलिए भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, बहुत दिव्य है। ऐसे ही थोड़ी भगवान बोल रहे हैं, मजाक मजाक में बोल दिए क्या अर्जुन को, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इसको जो जान जाएगा उसको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएगा, ऐसी मजाक थोड़ी बोल दी। ठीक है, अन्यथा मात्र उनका, अच्छा यहाँ तो, अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे श्री भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने के अधिकार नहीं रखते। ये समझ में आ रहा है, जो विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने के अधिकारी नहीं रहते, नहीं रखते। मतलब अधिकार भगवान के जन्म कर्म के रहस्यों का तब मिलता है जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते, जब हम डेली सुबह उठेंगे, माला करेंगे, भागवतम की क्लास अटेंड करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, रिवीजन करेंगे, 16 माला करेंगे, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग का ही प्रसाद बना के खाएंगे, और बाकी संसार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोगों के जन्म कर्म की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान के जन्म कर्म की चर्चा करेंगे, तब यह अधिकार मिलता है कि हम प्राप्त कर सकें, अदरवाइज अधिकार भी नहीं मिलेगा, है ना। बाहर ही बाहर वापस लौटा दिए जाओगे, भैया निकलो यहाँ आपकी जरूरत नहीं। कई देर लाइन में खड़े होने के बाद भी देखते हैं कई कई प्रोग्राम में एंट्री करने को नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है वहाँ पे घुसने के लिए, है ना। तो एलिजिबल बनना पड़ता है, अपने आप को उस स्तर पे लाना पड़ता है, हमको सतोगुण में आना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी निरंतर अटूट, है ना। धर्म वो कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्म, है ना, यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्म्या सुप्रसिद्धति, है ना। हमने पढ़ा है भागवतम में, कहते हैं अहेतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिए भक्ति, हेतु नहीं होना चाहिए, अरे भगवान मेरा ये काम कर दो, अरे मेरे भगवान वो काम कर दो, मेरे को तो ये दिला दो, मेरा वो ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, अहेतुकी होनी चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता अटूट होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में टूटनी नहीं चाहिए, अरे मेरे साथ तो ये गलत हो गया, अब मैं भगवान की भक्ति बंद कर दूंगा, आज मैं माला नहीं करूंगा, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फटाफट अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, नहीं तो छूट जाएगा, है ना। 30 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, एतद्रूपं साथ में दोहराएंगे। एतद्रूपं भगवतो, एतद्रूपं भगवतो भगवतो, जी हरि बोल, आवाज आ रही है? प्रभु हाँ जी आ रही है। नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण माता आवाज जी, जी, आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी मीरा माता जी की क्लास क्यों बंद हो गई? जी अरे कृष्णा, हरे कृष्ण, अब आ रही प्रभु जी, आ रही आवाज मेरे फोन से तो बंद अब आ रही प्रभु जी, फिर गई। बंद हो गई।
हरे बोल हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी, प्रभु जी आवाज आ रही है, कौन जी आए। हाँ ठीक है, तो इसी में कंटिन्यू कर लेंगे, है ना? जी हाँ तो साथ में दोहराएंगे। एतत् रूपं भगवतो भगवतो हि रूपस्य चिदात्मनः चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् महद आदि भी आत्मनि एतद्रूपं रिपीट करेंगे। भगवतो भगवतो या रूपस्य चिदात्मनः 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 माया गुणैर्विरचितम् माया गुणैर्विरचितम् महत आदि भी आत्मनि एतद्रूपं भगवतो भगवतो ह्य रूपस्य चिदात्मना माया चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं माया गुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मनि महदादिभिरात्मनि। हरे अनुवाद। कृष्ण श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे कह रहे एतद् रूपम भगवतो, जो भगवान का विराट रूप की चर्चा चल रही ना, ये सब रूपम, एतद् रूपम भगवतो, ये सब जो है ना भगवान के विराट रूप की जो चर्चा चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही रूपस्य चिदात्मना, ये भगवान का चिदात्म रूप है, ये ब्रह्म ब्रह्म का शरीर है। ऐसा नहीं है जैसे हमारा पंच तत्व का भौतिक शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, ये वैसा नहीं है, ये चिदात्मना है, ये सत चित आनंद से पूर्ण रूपेण है, उससे भरा हुआ है ये, है ना? और क्या कह रहे हैं, माया और गुणैर विचित्तम, ये माया की शक्ति से हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान तो हमारे जैसे ही है, उनका शरीर हमारे जैसा ही है, मनुष्य के रूप में आ रहे हैं वो तो, है ना? भगवान कहते हैं ना कि जो है नाम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका रहता हूँ। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको मम अजम अव्ययम्, मूढ़ व्यक्ति मेरे को जान ही नहीं सकता मैं कौन हूं, मैं ढका रहता हूँ किससे, योग माया से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे माया जो है ना, माया गुणैर विचित्तम, माया सबको ढक के रखी है इसको। और क्या कह रहे हैं आगे, महा आदि भी आत्म नहीं, मतलब जो गुण हमने चर्चा करती है, हमने पहले बताया था महतत्व, महतत्व और गुण, ये सारी चीजें प्रकृति में जैसे प्रवेश करती हैं तब माया कार्य करना चालू करती है, वैसे ही महत आदि भी आत्मन ही, मतलब पदार्थ से ये सब चीजों से ढके रहते हैं और सच्चिदानंद जो रूप है वो हम नहीं देख पाते हैं भगवान का, है ना? तो यहाँ पे अनुवाद में वही कह रहे हैं कि यह तो अल्पज्ञों को यह समझने हेतु कि श्री भगवान का साकार रूप है, तो जो भगवान का जो विराट रूप है, जो कि एक्चुअल में भगवान का विराट रूप, भगवान जो है ना दिखाए जरूर है भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं विराट रूप है, लेकिन वह जो विराट रूप है वो सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, उसके कभी भी हम जो है ना ऐसा नहीं बोलते कि आप जो है उनका जो है विराट रूप का चिंतन करो, नहीं नहीं करते हम भगवान का, कौन सा जो श्याम सुंदर रूप है उसका चिंतन करते, लेकिन जो नव भक्त है, नए नए भक्त है ना, उनके लिए रहता है वो विराट शरीर, बताने के लिए कि नहीं भगवान का एक विराट शरीर है। तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य में बहुत क्लियर हो जाएगा ये।
श्री भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए गए श्री भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्यों नहीं बात करते हम भगवान के विराट रूप की। विराट रूप भी तो भगवान का एक तरह का जो है, क्या बोलते हैं, अवतार ही है। तो कह रहे हैं नहीं, उसको हम लोग नहीं करते हैं, है ना। उसको हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो भौतिक लोगों के लिए मात्र बताने के लिए है कि ये भगवान ने विराट रूप जो है वो किया था। आगे कह रहे हैं, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता जैसे बद्ध जीव में होता है। वो मेरा कनेक्ट हो गया है। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है इसमें? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, तो यहाँ कह रहे हैं विराट रूप की कल्पना तो केवल नव जिज्ञासु पूजक पूजकों के लिए है, उन्हीं के लिए है जो भौतिक विराट रूप प्रस्तुत उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाती है। तो एक बात बताओ, भगवान ने भगवत गीता जब बड़ा बता भगवान ने अर्जुन को बता रहे थे, तब विराट रूप क्यों लिया था, कोई बता सकता है? क्यों दिखाया था अर्जुन को भगवान ने विराट रूप, कोई बताएगा? प्रभु क्योंकि जी, प्रभु बोलिए प्रभु जी, हाँ बोलिए माता आप बोलिए ना, हरे कृष्ण। जी। तो प्रभु जी, अर्जुन को ये दिखाना चाहते थे कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं और वो उनमें सभी ऐश्वर्य समाहित है। जो 6 ऐश्वर्य जो होने चाहिए एक भगवान में, वो सारे समाहित है। तो कोई भी अगर अपने आप को भगवान अगर घोषित करना चाहता है तो उसके विराट स्वरूप होना चाहिए और उसके 6 ऐश्वर्य होने चाहिए। तो इसलिए ठीक भगवान है, ने दिखाया। आप बताइए माता जी, सावित्री माता जी आप बता रही थी ना, बताइए। जी कल्पना माता जी बता रही थी, वैसे मैं बता रही हूँ, हमको भी तो भगवान बताना चाहते हैं। जब भौतिक जगत में लोग भगवान का डुप्लीकेट बन जाते हैं, तो उनको भगवान के बराबर कोई नहीं है, इसलिए। और प्रभु जी ने बोला वही मैं भी बोलूंगी प्रभु जी। यस, कल्पना माता जी आप बताइए, क्यों दिखाया विराट रूप भगवान ने? भगवान भगवान को भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन ने अर्जुन ना युद्ध से जो यानी डर रहा था ना, तो भगवान ने उसको विराट रूप इसलिए दिखाया कि जिसको तुम मारने के लिए वो हो रहे हो कि हम मार नहीं सकते अपने गुरु को, अपने पिता माई वगैरह को, तो इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। विराट रूप में उन्होंने पूरा दिखाया कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम तो एकमात्र वो साधन हो कि तो तुम्हें मारना है। अच्छा, मतलब खाली ये दिखाने के लिए विराट रूप दिखाया कि मैं इनको ऑलरेडी मार चुका हूँ। नहीं प्रभु जी, और अच्छा विराट रूप इसलिए दिखाया कि अर्जुन के लिए, कि अर्जुन ने बोला था कि अपना रूप दिखाइए मुझे, तो फिर उन्होंने दिव्य शक्ति दी थी और उनको रूप दिखाया था। ठीक है ठीक है। यस, पद्म प्रिय माता जी बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी ये माता जी प्रभु जी ने बताया वो सब भी कारण है, और एक कारण आप गीता में बताए थे कि दुनिया वाले को विश्वास हो सके कि मतलब ये कहीं अर्जुन झूठ तो नहीं बोल रहा है, सब इसलिए विराट रूप दिखाए थे। हाँ, ये एकदम सही पॉइंट बोला माता जी ने। वो ये दिखाने के लिए कि मैं ही भगवान हूँ, आगे चल के ऐसा प्रश्न ना उठे कि लोग ये ना बोले कि अरे नहीं, वो भगवान नहीं है ना। भगवान की विभूतियों के एक साथ दर्शन किया था राधिका माता जी का। यस, दिखाया था, वो सब तो दिखाया था उन्होंने। तो क्यों दिखाया था? इसका कारण ये है, अर्जुन तो मान गए कि मैं मानता हूं आप भगवान हो, लेकिन हम आपको कैसे देखे, कैसे लोग लोग समझेंगे कि आप भगवान। तब भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन किया था। जब भगवान ने बताया था कि मेरे को कोई नहीं जान सकता, ना मैं विदु सुरागणा प्रभवम न महर्षया, अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम सर्वशः। मेरे को कोई देवता कोई महर्षि मेरे को नहीं जानता, क्यों? क्योंकि मैं उन सबके प्राकट्य का कारण हूं, मैंने तो उन सबकी उत्पत्ति कराई है, वो कैसे जानेंगे मेरे बारे में? तब जो है ना, फिर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप मैं देखना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से भगवान है, कैसे
कैसे आप भगवान कहलाते हैं, कैसे आपका विराट रूप है, क्या है, कैसे देखें हम आपको, कैसे समझें। तो जो नए लोग होते हैं, नव जिज्ञासु लोग होते हैं, उनके लिए विराट रूप होता है, ताकि वो माने कि कृष्ण ही भगवान है ना। ये तो ठीक है, ऐश्वर्य प्रकट कर दिया, सबको मारते दिखा दिया, वो तो ठीक है, विराट रूप में सब देख लिया, लेकिन दिखाया क्यों? इसलिए ताकि अर्जुन को भरोसा हो, बाकी अर्जुन के माध्यम से दूसरों को भरोसा हो कि वो कृष्ण है, विराट रूप में है ना। हर कोई विराट रूप नहीं धारण कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए नव जिज्ञासु पूजकों के लिए किया इन्होंने, और उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिनकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूपों और उनके पांव हाथ आदि के रूप में कल्पित किया जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें बताते हैं कि वो ऊपर के लोग भगवान के मुकुट हैं, नीचे के लोग उनके पैर हैं, उनके हाथ, सारे लोग कौन कौन से हैं, कैसे भगवान का विराट रूप है, पूरी सृष्टि का उसमें चर्चा की जाएगी, आगे चल के करेंगे हम, है ना। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव जिज्ञासियों के लिए होते, ताकि वो भगवान की एक कल्पना कर सके। नव जिज्ञासु जो नए नए लोग भक्ति में जुड़ते हैं ना, वो एक कल्पना करें कि अच्छा, भगवान इतने बड़े, इतने विशाल हैं, सारे ग्रह उनके शरीर में, अच्छा ऐसा है क्या। हाँ, इसलिए है ना, वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि भौतिक बुद्धि होती है ना उनकी, वो समझ नहीं पाते, वो कैसे समझेंगे भगवान को। तो उनके लिए ये कल्पना करके बताया जाता है, ऐसा 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 है, भगवान पूरे विराट है, पूरी सृष्टि में भगवान फैले हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, श्री भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूप की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप में, भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप में तो श्री भगवान एवं जीव दोनों के ही कल्पना मात्र। तो हमारा जो शरीर है, हमारा भी शरीर है, चाहे भगवान जिस भी शरीर में इस संसार में भौतिक स्तर पे आते हैं, वो सिर्फ दिखावे का मात्र है। हम भी ये शरीर नहीं है, हमको भी देखना, लेकिन हमको सबको शरीर से ही पड़ता है। क्या मैं किसी को भी जैसे श्री राम प्रभु हैं, उनके शरीर, उनके रूप, उनकी आकृति देख के ही तो हम उनको श्री राम प्रभु कहते हैं। श्री रघुनाथ दास जी आप सामने आ गए, ओहो दंडवत प्रणाम है, आपको नमस्कार है। तो जब शरीर की अस्तित्व होता है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज हम आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वैसे इस संसार में भगवान भी एक भौतिक दिखाने के लिए शरीर ला लेके आते हैं, लेकिन वो भौतिक है नहीं, वो दिव्य है। हम भी सब क्या है, दिव्य है। हमारा शरीर भी कुछ काल के लिए है, लेकिन मात्र जो है ना, वो टेम्पररी है, छूट जाएगा। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप की वास्तविक नहीं हो नहीं है, बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं, हमारा ये स्वरूप वास्तविक नहीं है। हम कितने सारे जीवन जी चुके हैं, अनेक अनेक जीवन जी चुके हैं, तो हर शरीर क्या वास्तविक है? नहीं, वो छूट जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवन जीवंत आत्मा है, और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। तो हमारा चाहे भगवान, वो दोनों चिन्मय है ना, और वो सच्चिदानंद है। ये धारणा है खाली नव जिज्ञासुओं के लिए कि भगवान के एक विराट रूप है, भगवान इस तरह से हैं, इस तरह से। ठीक है, तो जैसा हम देखते हैं कि भगवान के विराट रूप के लिए हमारे पास कोई ड्रेसिंग नहीं है, हम उनको कपड़ा नहीं पहना सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, अगर विराट रूप में होंगे, छोटे से भगवान होंगे, छोटे से, तो हम उनको पूरी सेवा कर पाएंगे। इसीलिए भगवान छोटा सा शरीर लेते हैं, विग्रह में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, कहिए कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रभु जी, जैसे अपन कहते हैं कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया था, उसी प्रकार जब राम जी माता कौशल्या के उससे पैदा हुए यानी निकले, रूप दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने भी तो माता कौशल्या को पूरा विराट रूप दिखाया था। वो एक बार नहीं, 2 बार दिखाया उन्होंने। अच्छा, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कितनी बार दिखाया और कब दिखाया, दो मैंने बार ये दिखा है दो। प्रभु जी, क्योंकि पहली अच्छा बार जब उन्होंने अवतार लिया तो पूरा विराट रूप में आए, उसमें शंकर जी वगैरह सब आए थे, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम बच्चे रूप, बच्चे के रूप बनो, छोटे शिशु के रूप बन जाओ।
तब वो शिशु के रूप। और दूसरी बार ना जब माता जी माता कौशल्या प्रसाद भोग लगाते हैं भगवान का बालाजी महाराज का, तो बोलते हैं कि तो देखते हैं कि भगवान राम जो है ना उधर बैठकर खा रहे, वो सुला कर जाती है। तो फिर लौट कर आती तो देखते कि हम तो सुला कर गए थे, तो वो पालने में भी मिलते हैं और उधर भी मिलते। तब भगवान ने रूप दिखाया था अपना विराट रूप, तो उन्होंने कहा था अब मुझे कभी बचा लिया था कि ऐसा रूप मत दिखाइए आप मुझे। अच्छा ठीक है, हरी बोल। नहीं मेरे को इतना गूढ़ रहस्य नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा है भगवान प्रभु श्री राम के जन्म की कथाएं, सुनी होंगी बट मेरे को ध्यान नहीं है, सही बताऊं। ठीक जी, है, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का हरे कोई कृष्णा प्रश्न प्रभु है? जी, जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी मेरे पास तो राधा रानी का ऐसा मूर्ति विग्रह नहीं है, ऐसा शो पीस है, उसमें है राधा कृष्ण दोनों, तो उधर उधर पूजा करें क्या, जैसा रोज करते कृष्णा का वैसा ही करें, भोग लगाएं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोटो वोटो नहीं है क्या? मोबाइल में फोटो रख लीजिएगा सामने, उसमें क्या? नहीं, एक 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 शोपीस है प्रभु जी छोटा सा, उसमें राधा कृष्ण दोनों हैं, तो वो चलेगा क्या, क्या कृष्णा का जैसे करते हैं, कृष्णा भगवान अपना दे देंगे राधा चलेगा, रानी को, मिलजुल के कर लेंगे। सॉरी भगवान के लिए बोल रही हूँ, पर भगवान कृष्ण राधा रानी के बगैर तो खाते ही नहीं हाँ है ना, ठीक है, तो खाली कृष्णा को करे वैसा करें। नहीं तो मोबाइल में राधा रानी का फोटो रख लीजिएगा ना बाजू में कृष्ण के, क्या दिक्कत? अच्छा हाँ, वो मोबाइल में वहां पर प्रभु जी दोनों जन है साथ में ही है, राधा रानी और कृष्णा, भोग लगाते टाइम स्टेटस पर मेरे दोनों हाँ ही हैं, भगवान है और कृष्ण राधा हाँ रानी। तो उनको रख लीजिएगा, हाँ उनको रख लीजिएगा, वो ठीक है। चित्रपट में जी आ प्रभु जाते हैं ना जी, भगवान, चित्रपट में। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबका धन्यवाद, यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे, राम हरे हरे, सभी सभी भक्त भक्त वृंद की जय। वृंद जय की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय हरि गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय हरि हरि जय। बोल।